आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं टॉप जीपीयू एंड सीपीयू कॉम्बोज फ्रॉम 15,000 थाउजेंड टू फिफ्टी थाउजेंड जिससे सारे बजट कैटेगरी के पीसीज कवर हो जाएंगे यह वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है अगर आप अपना पीसी बिल्ड करने का सोच रहे थे तो तो वीडियो को अंत तक पूरा देख लेना एक एक इंपॉर्टेंट पॉइंट भी बताऊंगा बीच में और प्राइजेस भी दूंगा और बोनस टिप्स भी बताऊंगा की कैसे आप अपने इस पीसी को या फिर इस कॉम्बो को सबसे सस्ते में खरीद सकते हो एंड अपना मनी सेव कर सकते हो तो वीडियो को अंत तक देखते रहना Now let's roll the intro. अब फर्स्ट कॉम्बो जो है ना वो एकदम बजट पीसी वाले लोगों के लिए जो एकदम कैसे भी अपने गेमिंग का कीड़ा शांत करना चाहते हैं क्योंकि इसमें हम लोगों ने यूज किया है इंटेल का ट्वेल्व वन हंड्रेड एफ जो कि आराम से आपको साढ़े आठ नौ हजार के आसपास मिल जाएगा बट जो ग्राफिक्स कार्ड आप यहाँ पे लगाओगे वो है थ्री जीबी वाला, वाला मत ले आना अगर आप अपने गेमिंग का शांत करना चाहते हो मतलब इस टाइप के लाइट गेम्स खेलना चाहते हो तो आप इस जीपीयू पे बड़े आसानी से खेल सकते हो बट ये जीपीयू आपको सेकेंड हैंड मार्केट में ही मिलेगा नया आपको कहीं नहीं मिलेगा तो आपको ढूंढना पड़ेगा अब सेकेंड हैंड ग्राफिक्स कार्ड आप कहां से खरीदोगे अगर आपके पास कोई सोर्स नहीं है सेकेंड हैंड ग्राफिक्स कार्ड खरीदने का तो इस वीडियो को जरूर देख लेना मैंने लाया था थर्टी सेवेंटी टी आई फॉर ओनली थर्टी थ्री के सूरज टेक्नोलॉजी से जी टी एक्स टेन सिक्सटी सिक्स आपको वहां पे एट थाउजेंड का मिल जाएगा आराम से विथ वारंटी लेफ्ट सो टोटल प्राइस आती है इसकी सिक्सटीन थाउजेंड के अराउंड ये

हो जो कि आपको पड़ेगा 20000 का कॉम्बो अगर आप 1660 सुपर सेकेंड हैंड लेते हो तो आराम से आपको साढ़े ग्यारह-बारह हजार का मिल जाएगा बट अगर आप नया लेते हो नया बिल्कुल भी वर्थ इट नहीं है 18 टू 19000 का नया बिक रहा भाई कोई जरूरत नहीं है अगर 1660 सुपर खरीदने वाले थे तो सेकंड हैंड ही लेना नए लेने का भाई फिर तो पैसे में आग लगा रहे हो आप 1080p पे मीडियम टू हाई सेटिंग्स पे लाइट गेम्स को रिकॉर्ड करना चाहते हो स्ट्रीम करना चाहते हो जैसे अपना वेलोरेंट हो गया सी एस गो पबजी जीटीए फाइव इन सब टाइप के गेम्स तो आप इसी के साथ RTX 2060 भी पेयर कर सकते हो जो कि आपको हैंड मार्केट में मिल जाएगा फिफ्टीन थाउजेंड के अंदर आराम से नया लेने जाओगे तो वही आपको ट्वेंटी थ्री थाउजेंड का पड़ेगा नया लेना बिल्कुल भी वर्थ इट नहीं है सो so, दोनों का कॉम्बो आपको सेकेंड हैंड के हिसाब से पड़ जाएगा ट्वेंटी थ्री टू ट्वेंटी फोर थाउजेंड का जो कि इसको बना देता है टेन एटीपी पे सब सबसे वैल्यू वाला कॉम्बो क्योंकि आप इसमें एक तो आरटीएक्स वाले ट्वेंटी में चले गए आपको DLSS जिसमें आपको डीएलएसएस का भी सपोर्ट मिलता है एंडवीडिया ब्रॉडकास्ट सॉफ्टवेयर का भी सपोर्ट मिलता है जिससे आपको स्ट्रीमिंग एंड रिकॉर्डिंग गेम्स में बहुत ही हेल्प मिलेगा और साथ में आप रेटरेसिंग भी कर सकते हो बट अब आपने बोला कि नहीं भाई मुझे मैक्सिमम गेमिंग परफॉर्मेंस चाहिए मुझे एडिटिंग स्ट्रीमिंग रिकॉर्डिंग कुछ नहीं करना तो अब जो कॉम्बो मैं बताने जा रहा हूँ वो सबसे बेस्ट है इन दिस प्राइस रेंज अगर आप सेकेंड हैंड आर एक्स जो की आपको पड़ेगा फोर्टीन टू फिफ्टीन का और ट्वेल्व एफ को मिला देते हो तो बेस्ट कॉम्बो बनता है फॉर गेमिंग अंडर ट्वेंटी और ये टेक्निकली आपको टू पे भी गेमिंग करा सकता है Well, 1200F कभी भी बॉटलनेक नहीं करेगा इवन 1080p रिजोल्यूशन पे भी RX 6600 को और RX 6600 में एक एडवांटेज और है कि 8GB की वीरा मिलती है आपको अब वही नया खरीदने जाओगे तो RX 6600 आपको 24000 का पड़ेगा सो टोटल कॉम्बो हो जाएगा आपका 33000 बट अगर सेकेंड हैंड खरीदते हो तो आपको 23000 में ही ये दोनों कॉम्बो पड़ जाएगा जो कि बना देता है इसको गेमिंग के हिसाब से सबसे बेस्ट कॉम्बो अभी तक का नेक्स्ट अगर आप थोड़ा बहुत एडिटिंग भी करना चाहते हो 1080p एटीपी रिजोल्यूशन पे अच्छे लेवल की तो आप Ryzen 5 3600 Plus RTX 2060 या 3060 का भी कॉम्बो ले सकते हो अगर आप नया लेने जाते हो Ryzen 5 3600 Plus RTX 2060 तो आपको 34,000 का मिलेगा अगर आप ट्वेंटी सेकेंड हैंड खरीद लेते हो तो 24 टू 25,000 में ही आपका दोनों कॉम्बो कंप्लीट हो जाएगा बाकी अगर आप इसके साथ आरटीएक्स थर्टी सिक्सटी पेयर करते हो अगर आप थर्टी हैंड खरीद लेते हो तो थर्टी आपको आराम से का मिल जाएगा टोटल कॉम्बो का जब प्राइस आएगा ट्वेंटी थाउजेंड सो आपकी मर्जी है आप नया लेना चाहते हो नया ले सकते हो सेकेंड हैंड लेना है सेकेंड हैंड ले सकते हो वीडियो मैंने बताया यहाँ पे हजार बार सूरज टेक्नोलॉजी से मैंने लाया थामनेल भी आ रहा होगा लिंक भी आ रहा होगा लिंक डिस्क्रिप्शन में भी होगा जरूर चेकआउट कर लेना है चलते हैं अगर आप थोड़ा और अच्छे लेवल की टेन एडिटिंग करना चाहते हो तो आप Ryzen 5 ले सकते हो, वाला, जो की आराम से आपको 15,000 के अंदर ही मिल जाएगा और उसके साथ RTX 3060 या फिर 3060 Ti कर सकते हो 3060 के साथ न्यू कॉम्बो आपको पड़ जाएगा अराउंड 44,000 का अगर सेकेंड हैंड लेते हो 3060 सिक्सटी तो आपको पड़ जाएगा ये कॉम्बो 35,000 का अगर थर्टी के साथ आप पेयर करते हो वो भी न्यू तो आपको पड़ेगा ये 50,000 का अगर 3060 Ti आप हैंड मार्केट में डील ढूंढते हो तो वो आपको आराम से मिल जाएगा 23,000 का तो आपका वाला कॉम्बो पड़ जाएगा आपको आराम से थर्टी टू थर्टी का और इस पर आप आराम से टेन पे वीडियो एडिट कर सकते हो इवन टू पे भी एडिट कर सकते हो और टूके पे गेमिंग भी कर सकते हो दैट मीन यहां से आपके टू लेवल की गेमिंग स्टार्ट हो आती है और साथ में आप टू पे वीडियोज भी एडिट कर सकते हो बट अगर आपको एडिटिंग वेडिटिंग स्ट्रीमिंग रिकॉर्डिंग इन सब से मतलब नहीं है सिर्फ आपको गेमिंग करनी है टू पे तो आप फिफ्टी सिक्स हंड्रेड के जगह ट्वेल्व वन हंड्रेड एफ लगा सकते हो और एच सिक्स टेन मदरबोर्ड लगा सकते हो बिकॉज ट्वेल्व फोर हंड्रेड एफ टेक्निकली गिवस मोर एफ पी एस देन फिफ्टी सिक्स हंड्रेड अगर सेम ग्राफिक्स कार्ड आपने लगा रखा है तो बट अगर आपको वीडियो एडिटिंग करनी है तो फिफ्टी सिक्स हंड्रेड मैं ज्यादा रिकमेंड करता हूं क्योंकि वो कंप्रेसिंग डी कम्प्रेसिंग में थोड़ा ज्यादा बेटर देता है इसीलिए एंड ऑल्सो एम फोर प्लेटफॉर्म में आपका अपग्रेड पार्ट भी थोड़ा अच्छा है आप चाहो तो फ्यूचर में 5800x, 5700x पे अपग्रेड भी कर सकते हो फ्यूचर में और 12400f वही 15000 के आसपास ही आ जाता है तो इसका भी प्राइस रेंज सेम ही होगा दोनों कॉम्बोज के लिए जो मैंने 5600 के लिए बताया यहां से हम लोग बढ़ते जा रहे हैं 2k से धीरे धीरे 4k की तरफ अगर आपको 4k पे बहुत सारे गेम्स इंजॉय करने हैं और फोर पे एंट्री लेवल वीडियो एडिटिंग करनी है तो आप इस कॉम्बो की तरफ देख सकते हो राइजन सेवन फिफ्टी सेवन हंड्रेड एक्स प्लस आरटीएक्स थर्टी सेवनटी अब आप बोलोगे की आरटीएक्स थर्टी सेवनटी तो भाई बिकना ही बंद हो गया है तो आपको सेकेंड हैंड में ही डील ढूंढना पड़ेगा अगर आप ये कॉम्बो लेना चाहते हो तो फिफ्टी सेवन हंड्रेड एक्स भाई अमेजोन पे अभी बीस हजार के अंदर ही बिक रहा है अभी सेल भी आने वाला है चार मई से तो भाई उस उसपे भी पंद्रह ऑफ है तो अट्ठारह में आपको मिल जाएगा फिफ्टी गजब डील है भाई आठ कोर सोलह थ्रेड्स का प्रोसेसर इसके साथ आप पेयर करोगे सेकेंड आर्टी एक्स थर्टी जो कि आपको ट्वेंटी सिक्स ट्वेंटी सेवन थाउजेंड का मिल जाएगा आराम से गेमिंग कर सकते हो रिकॉर्डिंग कर सकते हो स्ट्रीमिंग कर सकते हो और फोर के पे वीडियोज एडिट कर सकते हो एंट्री लेवल बट टू के पे तो एकदम अच्छे लेवल की एडिटिंग कर सकते हो नाव अब बढ़ते हैं इस वीडियो के सबसे लास्ट कॉम्बो की तरफ जो की है थर्टीन जो की एक नया सीपी है बहुत सारे लोगों को इसके बारे में पता नहीं है 13, 500, 24, का आपको मिल जाएगा। भाई ये सबसे है 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 जो ने निकाला है अभी तक के में, 24, के में। अंदर आता है, और फोर्टीन कोर्स आपको मिल जाते हैं सिक्स परफॉर्मेंस कोर्स और एट इफिशी कोर्स तो आप एडिटिंग करना चाहते हो फोर पे एकदम मक्खन करा के देगा साथ में आप इसको RTX 3070 के साथ करोगे, मस्त टू के गेमिंग एकदम हाई रिफ्रेश रेट वाली और 4K पे 60 प्लस एफ की गेमिंग हाई सेटिंग्स पे करा के दे देगा इसकी प्राइस आपको पड़ेगी 50,000 अगर आप आर्टिकल थर्टी सेवेंटी का सेकेंड हैंड डील ढूंढ लेते हो सेकेंड हैंड मार्केट में तो बट इस पी के साथ याद रखना अच्छे लेवल का बी सिक्स सिक्सटी एम मोटर वाई वाला मदरबोर्ड लगा लेना और साथ में टू फोर्टी एम का ए भी लगा लेना क्योंकि ये हॉट रन करता है 14 कोर्स है ओ लगाना तो मैंडेटरी है सो ये थे हमारे फिफ्टीन से लेके फिफ्टी के बीच तक के कॉम्बोज कैसा लगा आपको वीडियो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर सकते हैं और चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि ऐसे ही बढ़िया बढ़िया पीसी रिलेटेड कंटेंट हम इस वीडियो पे डालते रहते हैं अगर आपका कुछ भी हेल्प हुआ हो तो इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हो बाकी सेकेंड हैंड जीपीय के प्राइस जानने थे तो इस वीडियो को जरूर देख लेना यहाँ पे लिंक आ रहा होगा आई कार्ड में एंड कुछ भी पीसी बिल्ड कन्फिग्रेशन के रिगार्डिंग क्वेश्चन हो पूछना हो तो कमेंट्स में जरूर कमेंट कर देना मैं जरूर रिप्लाई दूंगा एंड अब मैं सोच रहा हूं